देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पंजाब पुलिस नूं आज एक बहुत वड्डी कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस दे ADGP RN डोके इस कामयाबी दा जिहड़ा जिक्र है प्रेस कॉन्फ्रेंस विच करनगे। जानकारी जिहड़ी मिल रही है 48 विदेशी पिस्टल्स जिहड़ियां के एक नाके दौरान पकड़ियां गईयां सन उहनूं पकड़िया गया है, उस बारे जानकारी देंगे। ये पिस्टल कित्थों आईयां सन, इस दे नाल एक बंदे नूं दस्या जा रहा है कि अरैसट किया है, उस बारे वो जानकारी देंगे। डोके साहब नाल गल कर रहे हैं, उन्हां दी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद होंदे हां पुलिस लाइन अमृतसर दे विच। DSP हरविंदर सिंह ने जो कि SSOC पोस्टर है, 19 पिस्टल 9mm जिगाना, 37 मैगजीन्स और 45 राउंड्स, 19 पिस्टल्स 34 स्टार मार्क, 38 मैगजीन्स, 148 राउंड्स, 9 पिस्टल्स 34 मेड इन चाइना, 22 मैगजीन, 1 पिस्टल 9mm ब्रेटा और 2 मैगजीन। इस तरह 48 पिस्टल्स अलग अलग तरह के फॉरेन मेड रिकवर हुए। और इसके संबंध में हमने SSOC पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करी है अंडर सेक्शन 13, 17, 18, 18B, 20 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और 120B IPC और 25 आर्म्स एक्ट पुलिस स्टेशन SSOC अमृतसर में। इसके संबंध में हमने एक एक्यूज को अरेस्ट किया जिसका नाम है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह की उम्र तकरीबन 25 साल है और ये पुरिया कला पुलिस स्टेशन सदर बटाली का रहने वाला है। इसने जब प्रिलिमिनरी हमने इंट्रोगेशन करी है, उसने बताया कि उसका कांटेक्ट एक दमनजोत एलियस दर्बन कालो, ये US में है और इसका जो विलेज है दर्बनजोत का, ये तलवंडी खुमान है। तलवंडी खुमान जो पुलिस स्टेशन कथुनंगल में है, तो दर्बनजोत का विलेज और जगजीत का विलेज ये तकरीबन आसपास ही है। इसने अपने इंटरव्यू में बताया कि जगजीत ये पहले दुबई रह चुका था 2017 से लेके दिसंबर 2020 तक, और ये दिसंबर 2020 में वापस आया। यहाँ जब पंजाब में था तब भी ये दर्बनजोत के कांटेक्ट में था और जब ये दुबई गया तब भी ये उसके कांटेक्ट में रहा है। जब ये उसके कांटेक्ट में आया तो उसने बताया कि तू कथुनंगल एरिया में जाके वहाँ से कुछ आपको मिलेगा कंसाइनमेंट, वो कंसाइनमेंट ले आओ, तो ये कल वहाँ पे चलेगा शाम को। हमारे पास बड़ी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी और उसके बेसिस पे हमने वहाँ पे नाका लेट किया। इसमें स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा हमारे AIG SSOC मिस्टर उपिंदर धूमन, इनके सुपरविजन में DSP अरविंदर ने वहाँ पे नाका लगाया और हमें ये कामयाबी मिली। इसमें फर्दर बताया कि ये जो वेपन्स हैं, ये बताया धर्मनजोत ने कि इसमें कहीं कंसील करके रखना है और जब ज़रूरत पड़ेगी इसको यूज़ करना है। इसका फर्दर प्लान अभी तक पता नहीं चला है क्योंकि अभी इसको अरेस्ट किया, अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद जब रिमांड पे आएगा तो फर्दर इसमें क्या प्लानिंग थी इसके बारे में पता लगेगा। जो दर्बन कालो है जो बाहर है US में, ये पता लगा है कि इसके संबंध कुछ बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके साथ हैं, जिनके मेंबर्स कनाडा में, US में, UK में हैं, पाकिस्तान में हैं। और
इसने सारा प्लान किया था और अभी इंट्रोगेशन में फर्दर इसकी प्लानिंग क्या थी इसके बारे में पता लगेगा। धर्मनजोत ये कुछ साल से यूएस में है, इसने बटाला से एक गैंगस्टर जिसका नाम हरविंदर मन्नू है इसको छुड़ाने की कोशिश करी थी और 2017 में इसके खिलाफ बटाला में पर्चा हुआ था। अभी धर्मनजोत एक पीओ है बटाला से। उसी तरह अभी रिसेंटली हमने एसएसओसी अमृतसर में एक एफआईआर करी थी 2020 में जिसपे हमने 10 लोग अरेस्ट किए थे और उनके पास से 7 वेपन्स बरामद किए थे। कुछ दिन पहले उसी एफआईआर में इसका नाम फिगर हुआ था कि इस वेपन्स की जो फंडिंग है वो धर्मनजोत ने करी थी और ये जो वेपन्स है ये एमपी से आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि धर्मनजोत के कॉन्टैक्ट एमपी के जो वेपन सप्लायर्स हैं उनके साथ भी है। तो उस केस में हम धर्मनजोत को फॉलो कर रहे थे और फॉलो करते करते अभी हम इस केस में भी इसको फिगर आउट कर लिया है और हमारी अभी कोशिश रहेगी कि मतलब इसको फर्दर लीगल कार्रवाई आगे ले जाते हुए इसके खिलाफ इसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे साथ मेरे एडीजीपी काउंटर इंटेलिजेंस और ओकू मिस्टर अमित प्रसाद बैठे हैं, ये पहले आईजी सीआई थे और हम प्रमोशन अभी एडीजीपी सीआई और ओकू है। पिछले 4 साल में हमारे टीम ने मिस्टर अमित ने काफ़ी अच्छा काम किया और ये बताना चाहूँगा कि पिछले 4 साल में हमने 44 टेरर मॉड्यूल्स बस किए और 283 टेररिस्ट हमने अरेस्ट किए जिसमें कि 21 राइफल्स 163 रिवॉल्वर पिस्टल 38 ग्रेनेड्स 10 ड्रोन्स 2 वॉकेटॉकी सेट्स और 1 केजी आरडीएक्स हमने बरामद किए। तो ये काफ़ी एक अचीवमेंट है सीआई का और हमारी टीम काफ़ी स्ट्रांगली इसमें काम कर रही है और आगे जो तफ्तीश आएगी तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको फर्दर ब्रीफ किया जाएगा। इसमें ये बता रहा आपने इंट्रोडक्शन में कि किसी ने इसको वहाँ पे हैंडओवर किया कहाँ पे कतनगल एरिया में और जब हम वहाँ पे थे तो उस वक्त वो जो फर्दर जिसने इसको हैंडओवर किया था वो वहाँ से निकल चुका था। अभी हम इसको अरेस्ट कर चुका है जिसने इसको हैंडओवर किया कंसाइनमेंट उसके बारे में हम तफ्तीश जारी है। हमने बहुत सारी टीम्स इसके बारे में भेज चुके हैं और होपफुली इसको अरेस्ट करेंगे। तो सर एम्युनिशन क्या है ये सर एम्युनिशन नहीं मिला कुछ पिस्टल ही मिले या इसमें एम्युनिशन मिला है कितना एम्युनिशन मिला है ये जिगाना के है 45 राउंड्स 34 स्टार मार्क पिस्टल के है 148 राउंड्स। सर इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और बाकी मैगजीन्स हैं। सर इसको आपने कहा कि इसको इस्तेमाल करने के लिए रखना कहाँ था इसे और स्पेसिफिक कुछ तो बताया होगा कहाँ रखना किसको आगे देना था और ये देखिए इसने 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 कंसाइनमेंट लेके अभी रखा ही था तो हमारे पास में इनपुट था कि वो अरेस्ट हो गया। सर गाड़ी तो कहीं लेके जानी थी बताया होगा कि नहीं नहीं अभी उसकी तफ्तीश चल रही है फर्दर जब इंट्रोगेशन चलेगी उसके बाद पता लगेगा। सर बड़ी बार वारदात कुछ कर सकते हैं प्लान कर रहे थे ये कोई बड़ी बार अभी ये देखिए इसके बारे में कुछ बोलना भी ठीक नहीं रहेगा। सर इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका कोई क्रिमिनल अभी तक नहीं है। सर मान लिया जाए अब जो गैंगस्टर बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं जो भी आपने कहा है ये धर्मनजोत का संपर्क काफी लोगों के साथ है और आतंकवादियों के साथ भी इसका जो रहा है अब वो उन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इस तरह की कंसाइनमेंट आने के लिए इस तरह की इस पे आप काम कर रहे हैं ये सामने यही आ रही ना। यस सर मेरा क्वेश्चन है जी कि आप बोल रहे हैं गैंगस्टर हैं या टेररिस्ट एक्टिविटी है या अनलॉफुल अभी 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 तक क्या है या अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंडर ये पर्चा रजिस्टर हुआ इसका मतलब हमें रिलायबल इनपुट है कि धर्मनजोत के संबंध जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे
उनके साथ में। अभी देखिए इस वक्त इसके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा जब तक के हम दूसरा एक्यूज ना पकड़े। सर जो ये जो वेपन है इससे पहले जो जम्मू से पकड़े गए थे वेपन पंजाब से गए थे उसकी भी जो एक्टिविटी थी वो कथुनगल एरिया में थी। जो विरासत में वारदात हुई थी उसमें भी कथुनगल का जिक्र हुआ था। तो जहाँ पे क्या लगता है जहाँ पे कौन से लोग जो इस तरह लगातार फोकस करें जहाँ से ऐसी एक्टिविटी जो है लगातार हो रही है जहाँ। देखिए पंजाब पुलिस बहुत सिंसियरली काम कर रही है इस तरफ और जितने बार भी पहले अटेम्प्ट हुए हैं वो सारे अटेम्प्ट हमने फाइल किए हैं और हर एक केस में हमारी पुलिस ने लोकल पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने हमारे एसएसओसी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। सीआई ने काफ़ी अच्छा काम किया। सर कथुनगल से जो बटाला रोड करता है कश्मीर तक है तो जम्मू कश्मीर के जो आतंकवादी इनके साथ भी रिलेशन हो सकता है। ये देखिए अभी ना इस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन खालिस्तान का एंगल हो सकता है खालिस्तान। देखो मैंने कहा कि धर्मन ज्योत के संबंध कुछ बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में है तो कुछ भी हो सकता है। पंजाब पुलिस के ADGP RN डोके ने दस्या है कि उन्होंने जिहड़ी एक इंपुट सी उसके आधार के उत्ते स्पैशल नाका लगाया गया सी जिहदे कथुनगल अमृतसर के नाका लगाया गया सीगा जिते I-20 नूं रोकण का इशारा किया गया सीगा। उस नूं रोकण ते उत्ते उसकी तलाशी दौरान 48 विदेशी जिहड़े हथियार ने वो बरामद किए गए हैं। 48 विदेशी राइफल जिहड़ियां पिस्टल्स ने वो बरामद कीती हैं नाल एक बंदे नूं गिरफ़्तार किया है। ये एम्यूनेशनस ये राइफल्स किस तरह यूज़ करनी सी अतवादी गतिविधियों में यूज़ की जानी लुटा खुआ यूज़ की जानी सन पर इसका कोई भी जिक्र डोके ने नहीं किया है। कैमरा परसन विपन के नाल ज्योति बहल दैनिक सवेरा TV अमृतसर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94647 84374 94648।